Everyone, today our topic of discussion is chapter number 1 of supplementary reader. First one is main text for our literature, and next is supplementary reader. Footprints without feet. Okay. Name of the chapter is A Triumph of Surgery. Okay, what is the meaning of the title? Chapter 1. A triumph of surgery. सर्जरी रिलेटेड है, कुछ मेडिकल रिलेटेड है. ट्रायंफ मींस जीतना, तो कोई सर्जरी ऐसी हुई होगी और उसमें सक्सेस मिला होगा. सिंपल मीनिंग ऐसा है. ओके, इट इज ट्रू. ट्रायंफ ऑफ सर्जरी जो है वो एक्चुअल में स्टोरी इज बेस्ड ऑन डॉग. उसका हीरो जो है, कैरेक्टर है वो डॉग ट्रिकी, उसका नेम है. कैसे पूरी स्टोरी अराउंड ही वो अब हमें देखना है. पूरी स्टोरी जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि कहानी का मुख्य हीरो है ट्रिकी, अ डॉग. ओके, उसकी जो है मिस्ट्रेस, इट इज अ रियली कॉमिक कैरेक्टर. और एक डॉक्टर भी है कैरेक्टर, मतलब पूरी स्टोरी में. दैट हाउ ही ट्रीट ट्रिकी, हाउ ही क्योर ट्रिकी, ऑल दिस इंसिडेंट्स वी हैव टू लर्न. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1 एंड पार्ट 1. ओके, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. डॉक्टर जो है नरेटर वो कह रहे हैं कि मैं ट्रिकी को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ. आई हैव पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज ओपिनियंस. जब मैंने कार में जा रहा था तो मैंने ट्रिकी को देखा विथ हिज मिस्ट्रेस, तो मैं शॉक्ड रह गया. क्योंकि उसकी उसका जो था अपीयरेंस, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. जैसे पूरा प्रिपेयर किया हुआ चॉप्ड एंड कुक्ड मीट जो होता है, इट इज कॉल्ड सॉसेज. सॉसेज का मतलब है चॉप्ड एंड कुक्ड मीट. तो पूरे मीट का वो लगा मुझे कि मीट है और फोर लेग बस दिख रहे थे. मतलब पूरा उसका जो बॉडी है इतना फैटी है कि उसके बॉडी पार्ट से अलग नहीं पड़, मतलब अलग नहीं आप देख सकते हो अलग से. फिर चार साइड में बस लेग दिख रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है बस. इतना हैवी वेट है मीन टू से. हिज आईज ब्लडशॉट एंड ग्रीन. ब्लडशॉट मींस फुल ऑफ रेड लाइंस. उसकी जो आईज है उसके अंदर बहुत सारी रेड लाइंस थी और वो वेट थी. रूमी मींस वेट. Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. उसकी ये थी tongue, वो lolled and वो stared straight, सीधा मतलब देख रहा था, घूर रहा था. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mr. Harrier और Pumphrey जो उसकी mistress है, उसकी मालकिन है dog की, उसने doctor को तुरंत ही explain किया है. जल्दी से एक्सप्लेन करना. ही वॉज सो लिस्टलेस. वो बोल रही है कि जैसे लाइफ नहीं है उसमें, ऐसा मुझे लग रहा है. मिस्टर हैरियर डॉक्टर का नहीं है. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. मुझे लग रहा है कि इसमें मतलब जीरो एनर्जी है, एनर्जी लेस हो चुका है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मुझे लग रहा है कि
प्रॉब्लम है, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। क्या बिल्ड हिम अप? ऑलरेडी मोटा है, ओके, और फिर बिल्ड हिम अप क्या करें, मतलब कि मील जो है उसके खाने का टाइम है, उसके बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन की कमी है इसलिए उसके अंदर एनर्जी नहीं है, सो मैं एक्स्ट्रा उसे फूड देती हूँ। क्या, कैसे एक्स्ट्रा? देखो आगे, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट्स, कोल्ड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। And did you cut down on the sweet things as I told you? Already वो दिखा चुकी थी डॉक्टर को, ये डॉग का जो था हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो ऑलरेडी इसीलिए वो जानती है हैरियो की। तो डॉक्टर ने मतलब क्वेश्चन किया कि मैंने जो आपको एक्सरसाइज नहीं शुगर कट करने के लिए बोला, मतलब शुगरी आइटम बहुत ज़्यादा खाता है तो मोटे हो जाते हैं, एग्जाम्पल फॉर मी, मतलब ज़्यादा मीठा जो पसंद होता है जिन लोगों को, डेफिनेटली अगर उनका एक्सरसाइज लेवल डाउन होता है तो वो फैट रिलीज होता ही है। तो बोले कि मैंने जो कहा था ऐसे आपने शुगर कट किया, स्वीट थिंग्स कट की उसके डाइट में से, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा तो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैव टू रिलेंट, ही डज लव चीज केक एंड चॉकलेट्स एंड सो, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। मैं मना नहीं कर पाई उसको, मतलब कि उसे क्रीम केक बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत, डॉग की बातें हो, हमारे यहाँ तो बच्चों का भी यही इश्यू रहता है, तो बोले कि इतना उसे स्वीट पसंद है चॉकलेट्स और केक, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई, मतलब उसकी हेल्थ बिगाड़ के रख दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जो चीज़ें हमें बुरी लगती है ना वो हमारे बेनिफिशियल, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, और जो चीज हमें अच्छी लगती है ना वो हमारा बुरा करती है। वेदर द मेजर ऑफ अर्ली वॉकअप, मतलब जल्दी से उठना एंड देन डू एक्सरसाइज, जल्दी से उठना अच्छा नहीं लगता, एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती, फिर वो जो रूटीन में हम लोग कुछ कुछ जूस वगैरह सब पीना चाहिए हेल्थ के लिए, हेल्थ ड्रिंक्स कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता वो सब हमारे बोले के लिए, डाइट में हमारा सलाद ज़्यादा होना चाहिए वो अच्छा नहीं लगता, स्वीट कम होना चाहिए तो वो अच्छा लगता है, मतलब वैसे देखा जाए और लाइफ में क्या, पड़े रहना फैल के पूरा, टीवी देखना, मोबाइल से खेलना है ना, कुछ काम नहीं करना, वो सब अच्छा लगता है, बट एक्चुअली वो हमारे भले के लिए नहीं होता है। और अच्छा क्या नहीं है, स्वीट बहुत ज़्यादा हमें पसंद है, चॉकलेट्स केक्स कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत, जंक फूड, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में हैजार्डस टू आवर हेल्थ। फिर एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज अच्छी है पर हमें अच्छी नहीं लगती, कई बार आराम से बैठ के सोचना जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती एक्चुअली हमारे बेनिफिट की होती है, और जो चीज़, हाँ पढ़ाई मेन चीज़ तो रहेगी, पढ़ाई करना घंटों तक उसमें डूब जाना नहीं लगता, बट एक्चुअली इट इज रियली 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 यूजफुल फॉर अस, इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर अभी आप डूब जाओगे तो फिर किसी और को भी तैरने में हेल्प कर दोगे लाइफ में आगे जाके, पर वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें कंपल्सन के फॉर्म में करनी पड़ती है, मतलब कंपल्सरी हमें करना पड़ता है, मन से नहीं करते। एनीवे अभी डॉग की बात चल रही है, उसने बोला कि मैंने आपने बोला था ऐसा किया, बट वो इतना लव करता है क्रीम केक और चॉकलेट्स को, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, क्योंकि डॉक्टर है ना तो उसका जो माइंड है ना तो किसी भी चीज में अच्छा बुरा उसे तुरंत दिखता है, तो वो लव नहीं दिखा मिस्ट्रेस का कि बहुत लव करते इसलिए सब खाने दिए, पर उसे उस पर दया है डॉग पे के बेचारा अब उसकी क्या हालत होने वाली है। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Tricky का सबसे बड़ा fault था greed, लालच। वो अपने आप को बहुत फूडी था, मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। He and
He would take her away at any hour of the day and night. वो कभी भी किसी भी टाइम पे वो खाना खा सकता है, उसकी क्वालिटी. And I wondered about all the things Mrs. Pompey had mentioned. पर मुझे बहुत ज्यादा बहुत सी चीजें ऐसी थी उसने मेंशन नहीं किया था, मतलब वो बहुत खाना भी नहीं देती थी, एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, तो बहुत ज्यादा क्यों डांट खाने के लिए डॉक्टर की, तो उसने मेंशन नहीं किया था. Are you giving him plenty of exercise? डॉक्टर ने दूसरा क्वेश्चन किया. फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट जो था स्वीट आइटम वो आपने मतलब कट किया डाइट में से, तो बोली नहीं. फिर दूसरा क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज जो मैंने बोला था वो करवाती है. वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट वॉकिंग अ गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबे गो सो देयर हैज बीन नो रेन फॉलिंग लेटली. एक्सक्यूज बहाने उसने बोला कि देखो मेरे साथ वो वॉक करता है जैसा आपने देखा, मतलब लिटिल वॉक, वॉक भी हार्ड वॉक नहीं, तो वो तो मैं करवाती हूँ. बट हैजकिंग जो था, हाँ होजकिंग वो गार्डनर था, वो हमेशा रिंग थ्रो करके फिर वो दौड़ के ले आना, वो जो डॉग वाली एक्टिविटीज होती है, तो बोले उसे लंबे गो से वो पेन फील कर रहा है, कमर दर्द होते हैं, तो उसकी वजह से अभी जो है वो रिंग वाली एक्सरसाइज थी वो अभी बंद है, अभी नहीं हुआ. बार बार वॉमिट कर रहा है. He spent all his time lying on
Rug, painting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. कुछ भी कर नहीं रहा है वो फॉर वॉक, बिल्कुल वॉक के लिए भी नहीं, कुछ भी. उसका जो है अब इलनेस उसका एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है. वो फूडी था, गिरी था, वो सब छोड़ दिया उसने. अब खाना भी नहीं खाना, कुछ नहीं. तो अब जाके उसका ट्रीटमेंट रियल में होगा. वी विल सी इन आर नेक्स्ट लेक्चर पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. क्या होता है ट्रिकी के साथ, देखिए मेरे साथ. ऐसा बोलते हैं ना न्यूज में, न्यूज वालों ने तो पूरा मतलब एक मिर्च मसाला बना के पेश करते रहते हैं. हमें लगता है कि एड भले आ जाते हैं, हमें देखना है आगे क्या होता है. ऐसा हमें नहीं आता है क्योंकि हम बहुत ही सिंपल है. टीचर जो होते हैं उनका एक ही गोल होता है कि अपने बच्चे को जो भी बुक्स रिलेटेड है और आउट ऑफ बुक्स है वो सारी चीजें सिखाना, जो उनके ड्यूटी भी है, उनके एथिक्स भी होते हैं. ओके, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.